फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है और ब्लड के साथ और भी जितने मटेरियल होते हैं, वो हमारी बॉडी में किस किस के माध्यम से यानी क्या क्या चीज़ें उसमें हेल्प करती है उनको पूरी बॉडी में प्लॉट करने के लिए, लेकिन बहाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है ना, ह्यूमन में परिसंचरण तंत्र होता है, आपका पन परिसंचरण तंत्र होता है। देखिए, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज टाइप होता है, यानी कि एक खुला हुआ होता है और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा परिसंचरण तंत्र जो हृदय से ब्लड डायरेक्टली बिना किसी नलियों के माध्यम से पूरी बॉडी में पहुंचाते हो, यानी कि किसी बिना किसी नलियों के किसी के सहायता के बिना ही वो क्या होते हो, हमारे पूरी बॉडी में फ्लॉट करते हैं, बहते रहते हो, चार चले जाते हो। लेकिन क्लोज टाइप क्या होता है, यानी बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? हमारे हृदय से यानी हार्ट से जो ब्लड होता है वो किसी नलियों के माध्यम से धीरे धीरे पूरे जगहों तक जाता है, उसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारे बॉडी में तो बहुत सारे वेंस लगे होते हैं जो हमारे ब्लड को कैरी करते हैं, आर्टरी और वेंस। मैंने आपको बताया था ब्लड कैपिलरीज, आर्टरी और वेंस के बारे में, वो सब क्या करते हैं, वो सब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का रोल करती हैं। तो उसे इसके हिसाब से हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या लिखा गया। ठीक है। मानव में पदार्थों के परिवहन, परिवहन का अर्थ होता है दोस्तों कि जो हमारे बॉडी में फ्लूइड मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है, जो हम पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इससे पहले जो हमारा परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्वे ने सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा था। कौन सा साइंटिस्ट का नाम दोस्तों याद रखिएगा? इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है विलियम हार्वे के द्वारा सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया था। ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? यानी हमारे बॉडी में जितने भी मटेरियल है उन मटेरियल को पूरी बॉडी तक फैलाने के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो किसी किसके माध्यम से फैलता है, हमारे बॉडी के दूध यानी कि ब्लड के माध्यम से, हमारे ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनी के माध्यम से और लसिका लिम्फ के माध्यम से। ये तीनों चीज और हार्ट, सॉरी दोस्तों हार्ट बोला मैं भूल गए, चारों चीज के हेल्प से इन चारों ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ, इन चारों के माध्यम से हमारे पूरी बॉडी में पदार्थों का परिवहन किया जाता है। अब देखते हैं ये चारों है क्या, एक्चुअली क्या वर्क करते हैं ये सभी। एक तो अभी तो थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन कल की भी वीडियो में बनाने वाली हूँ वो रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में बताऊंगी कि उसमें ब्लड क्या क्या वर्क करता है। ठीक है। तो रुधिर एक तरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? एक तरल माध्यम है जो सारे शरीर में, तरल माध्यम का अर्थ होता है लिक्विड माध्यम में, है ना, तरल माध्यम है, और यह सारे शरीर में प्रवाहित होकर मतलब बहकर पदार्थों का परिवहन करता है। पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। एक तरल पदार्थ है दोस्तों जो क्या करता है, आपके पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है। ओके। उसके नीचे क्या लिखा है? हृदय एक प्रकार का पंप है। हृदय एक प्रकार का क्या है? पंप। पर रुधिर जो तरल पदार्थ है वो सारे शरीर में जाता है और क्या करता है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का वर्क करता है। ठीक है। अब हृदय का वर्क देते हैं। हृदय क्या करता है? हृदय एक प्रकार का पंप है। पंप मतलब जो धक्का देने का वर्क करता है। ठीक है। प्रेशर देता है। ठीक है। एक प्रकार का पंप है जो रुधिर के प्रवाह हेतु दाब उत्पन्न करता है, यानी कि रुधिर को पूरी बॉडी में बहने के लिए या क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। ठीक है। थर्ड क्या है? रुधिर वाहिनियाँ ऐसी नलिकाएं होती हैं जिनमें रुधिर एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। अब जो हृदय होता है वो पंप करेगा पूरे ब्लड को,
अब पूरे बॉडी से हृदय जो है ब्लड को पंप कर रहा है। अब ब्लड तो अपने आप से चल ही नहीं जाएगी, तो वो जिनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसे रुधिर लसिका रुधिर वाहिनी सॉरी रुधिर वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स कहते हैं। ओके थर्ड वन है अगला फोर्थ वन, लसिका एक तरल माध्यम है, तरल पदार्थ जो रुधिर वाहिनी और कोशिकाओं के पदार्थों का परिवहन करती है। तो दोस्तों ये चारों जो है हमारे हमारे किस सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। रुधिर जो होता है जो पूरे बॉडी में जाते काम करता है, हृदय जो होता है रुधिर को धक्का देता है, रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं ब्लड को उनके अलग अलग स्थानों पर ले जाने का काम करती है, और लिम्फ क्या करता है यह कोशिकाओं के पदार्थों का परिवहन करती है मतलब पहुँचाने का काम करती है। अब थोड़ा सा ब्लड के बारे में देख लेते हैं, फिर कल की वीडियो में पूरे डिटेल में ब्लड में जाएंगे। ठीक है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है तरल तो होता है लेकिन आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का अर्थ होता है आपस में कनेक्ट रहना, यानी हिंदी में संयोजी ऊतक होते हैं। यह वाहिनियों के द्वारा यानी कि वाहिनियों के द्वारा मतलब ब्लड वेसल्स के द्वारा प्रत्येक अंग में बहता रहता है, इसे ही हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं दोस्तों। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है चारों चीज हेल्प कर रहे हैं एक ही बारे में। पहले हम रुधिर देखेंगे, कल की वीडियो में रुधिर के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज कितने की थी दोस्तों, विलियम हार्वे। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, एक ओपन एक क्लोज। हमारे बॉडी में कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज टाइप के। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।